देखिए, मैं आपको श्रीमान जी एक चीज आपकी नॉलेज में डाल दूं, ये धोलीदार, भोंडेदार, मुकरीदार और भोंडेदार, मुकरीदार, बुट्टीमार, ये करीबन करीबन 8 से 10 समाज, जिसमें प्रजापत समाज, जांगड़ा ब्राह्मण समाज, लोहार समाज, वाल्मीकि समाज, SC समाज और कुछ अपने मुस्लिमों में भी है, मुस्लिम समाज के कुछ इनके होते हैं और ब्राह्मण समाज। तो मैंने विधानसभा में ये बातें उठाई, क्यों उठाई, 2011 में ये बड़े संघर्ष के बाद हमारे को मालिकाना हक मिला। उसके बाद में इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया कि भाई जो फैसला था वो गलत था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था। तो मैंने पिछली बार जब आवाज़ उठाई, मेरे पास समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा भी हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। मैंने विधानसभा में उठाई बात, तो विधानसभा में मेरे को शांतिपूर्ण जवाब नहीं मिला। कहने लगे हमने पंचायतों की जो लैंड है वो कैंसिल करी है, वैसे हमने नहीं की है। मैंने कहा जी श्रीमान जी आप कैसे कर सकते हो। कहने लगा ये एक्ट है। तो मैंने कहा भाई इस कहीं शायद मैं गलत हूँ, मैंने कहा भी इस एक्ट को देखेंगे। मैंने ये एक्ट की सारी ये मैंने ये मेरे पास है। 1952 में पंचायत हरियाणा के अंदर बनी है ये जमीन, 1862, 1835, 1910 उस टाइम की ये दी हुई है। दूसरा, ये पंचायती जमीन है ही नहीं। जब 1952 में पंचायत बनी है तो पंचायत आई कहाँ से। जहाँ तक ये पंचायतों की बात करते हैं, 1952 के बाद हमारे जो BPL परिवार हुआ करते, उनको 100-100 गज के प्लॉट भी दिए गए हैं, संस्थाओं को जमीन भी दी गई है। तो मैंने ये लगता है जिस प्रकार से जो इस समाज को ये दबाने का काम कर रहे हैं, तो जो हमारे BPL परिवार में गरीब समाज के लोग आते थे, शायद फिर ये पंचायत की लैंड है तो उनके 100-100 गज के भी प्लाट खाली कराएंगे, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पंचायत किसी को जमीन दे ही नहीं सकती। श्रीमान जी, पंचायत पंचायत की जमीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? ये पंचायत की जमीन नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ये 1862, नहीं, सरकार दे रही, गलत है, गलत हवाला दे रही है। 1862 में जब ये जमीनें दी गई और 1952 में हरियाणा की पंचायतें, हरियाणा में पंचायत बनी है, पंजाब और हरियाणा से 1952 में बनी है, तो पंचायत आई कहाँ से। पर मैंने आज एक महसूस किया, आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की बात को दबाया जा रहा है, इनको कुचलने का काम किया जा रहा है। आज इस प्रदेश में मेरे हिसाब से गरीब की कोई कदर नहीं है, चाहे वो किसी ब्राह्मण जाति से भी गरीब हो सकता है, वो जाट बिरादरी से भी, वो पंजाबी बिरादरी से भी, वो SC समाज से, गरीब कोई हो सकता है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। जो गरीबों के साथ, मेरे पास 1 इंच धोली की जमीन नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किसी भाई का ना, मेरे सिर्फ और सिर्फ भाई ये गरीब और मजदूर की, आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए हमारे को यहाँ भेजा गया है। तो मैं मजबूती से इस बात के लिए इस आवाज़ को उठाऊंगा। जिस प्रकार से सदन में मेरे को घूर घूर के देखा जा रहा था, एक किस्म से दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो मैं क्लियर सी बात है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। भगवान ने मेरे को जन्म दिया है और मेरे जनता ने यहाँ चुन के भेजा है, आम आदमी, गरीब, मजदूर और किसान की आवाज़ उठाने के लिए भेजा है। तो मैं इस चीज़ से दबने वाला नहीं हूँ, ना तो प्रशासन से दबने वाला हूँ, ना इनकी गुंडागर्दी से मैं दबने वाला हूँ।